इस वक्त की बड़ी खबर, झांसी में आए दिन आग लगने की घटनाएं आम होती जा रही हैं। कभी सीपरी तो कभी शहर, कहीं न कहीं आग लगने की खबर आए दिन सुनाई पड़ रही है। ऐसे एक मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ा गांव गेट बाहर फर्नीचर के गोदाम का है, जहां तड़के भीषण आग लग गई। गणेश मणिया में रहने वाले कल्लू विश्वकर्मा का फर्नीचर का गोदाम बड़ा गांव गेट बाहर शमशान घाट के पास माँ अम्बे फर्नीचर के नाम से है, जहाँ पर उसे सुबह सुबह सूचना मिली कि उसके गोदाम से धुआं निकल रहा है, लेकिन जब तक वह पहुंचा तब तक धुआं आग के लपटों में तब्दील हो चुका था, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई और कड़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक गोदाम में रखा 3 से 4 लाख की कीमत का माल जलकर राख हो चुका था। गोदाम में रखी मशीन और वैगनार कार भी धू धू करके जलकर राख हो गई। हालांकि आग लगने के कारणों के पीछे क्या कारण था, यह अभी तक नहीं पता चल पाया है।